अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओपन बेस के बारे में बात करेंगे कि ओपन बेस हमारे पास क्या होती है। लेट एक्स टा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सब कलेक्शन बीटा ऑफ टा, अ सब कलेक्शन बीटा ऑफ टा इज कॉल्ड ओपन बेस फॉर टा इफ़ ईच मेंबर ऑफ टा इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा। वो कहता है कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, मतलब एक सेट एक्स है और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी टा डिफाइन है, और हम जानते हैं टोपोलॉजी के अंदर इस तरह क्या होते हैं, एक्स के सबसेट की कलेक्शन है, ठीक है, ये टा है। कहता है आपने टा के अंदर से कुछ एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है, और उनकी कलेक्शन ले लेनी है, ठीक है। लेट सपोज मैंने टा के अंदर से कोई एलिमेंट उठा के उनकी क्या ले ली, कलेक्शन ले ली। अब वो बोलता है कि ये वाली जो आपने कलेक्शन ली है, जिसको आपने बीटा से डिनोट किया है, ये इसकी बेस कहलाएगी अगर टा का हर एलिमेंट तब आए जब हम बीटा के एलिमेंट्स का यूनियन लें। मतलब बीटा के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हम उन एलिमेंट का यूनियन करें तो हर दफ़ा हमें टा का एक एलिमेंट मिल जाना चाहिए, और टा का हर एलिमेंट जो भी हमें मिलता है वो बीटा के एलिमेंट्स के यूनियन की वजह से मिलता है। मतलब कि ईच मेंबर ऑफ टा, टा का हर मेंबर कब मिलता है, वो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा से मिलता है, कि बीटा के अंदर जो मेंबर है उनके यूनियन से हमें मिलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जी। हमें एक सेट एक्स दे दिया है, ठीक है, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन है, और टोपोलॉजी की हमने क्या ले ली, एक सब कलेक्शन ले ली, ठीक है। ये टोपोलॉजी टा डिफाइन थी आपके ऊपर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये टोपोलॉजी थी, और हमने टोपोलॉजी के अंदर से ये वाले जो एलिमेंट हैं ये हमने उठा लिए, इनकी हमने क्या ले ली, कलेक्शन ले ली। अब हमने ये देखना है कि ये वाली जो कलेक्शन बीटा आपने ली है ना, ये क्या है, ये इस टा की क्या है, बेस है। तो डेफिनेशन क्या कहती थी, कि टा का हर एलिमेंट यूनियन होना चाहिए मेंबर ऑफ बीटा का। तो देखें, जब फाई का फाई के साथ ही यूनियन लेंगे तो टा का ये वाला एलिमेंट हमें मिल जाता है, एक्स का एक्स के साथ यूनियन लेंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाता है, वन का वन के साथ यूनियन लेंगे तो हमें ये वाला ओपन सेट मिल जाता है, टू का टू के साथ यूनियन लेंगे तो हमें ये वाला ओपन सेट मिल जाता है, टू थ्री का टू थ्री इस वाले ओपन सेट का इसी के साथ अगर यूनियन लेंगे तो हमें ये मिल जाता है। अच्छा, अब इन दोनों का अगर यूनियन लें तो हमें ये वन टू मिल जाता है, ठीक है, और अगर इस वाले ओपन सेट का ये वाला सेट और ये वाला सेट इन दोनों का यूनियन लें तो हमें ये वाला ओपन सेट मिल जाता है। अब हमने देखा कि टा का हर एलिमेंट हमें मिल रहा है जब हम बीटा के किसी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीटा है हमारे पास, ये क्या है, ये बेस कहलाएगी हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स की, ठीक है। तो बीटा हमारे पास क्या कहलाएगी, तो बीटा कहलाएगी इज ओपन बेस, ओपन बेस, या सिंपली इसको हम क्या बोलेंगे, या सिंपली हम इसको क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे, ठीक है, बेस कहलाएगी ऑफ टा ऑफ एक्स की, ठीक है। और जो बीटा के हमारे पास ये एलिमेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ओपन बेसिक सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन बेसिक सेट बोलते हैं। मतलब जो मेंबर ऑफ बीटा हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपन बेसिक सेट बोलते हैं। अब हमारे पास, हम जानते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी थी जो हमने अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ी थी, उनमें सबसे पहले हमारे पास थी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या थी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो फिर उसके लिए हमें किस तरह की बेस मिलेगी, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए हमें जो बेस मिलेगी ना, वो हमेशा सिंगलटन सेट मिलेंगे। मतलब जो बीटा की कलेक्शन हम लेंगे ना, वो किस तरह की लेंगे, वो हम सिंगलटन सेट की कलेक्शन लेंगे, ठीक है, इस तरह की हम कलेक्शन लेंगे, वेयर एक्स बिलोंग टू टा ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, जब भी हमें कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजी दी जाएगी तो उसके लिए जो हमने बेस लेनी है वो कौन सी लेंगे, सिंगलटन सेट की लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सेट एक्स दिया है, लेट्स सपोज एक सेट एक्स था 1 2, और इसके ऊपर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये वाली थी, फाई ले लिया, एक्स ले लिया, सिंगलटन सेट 1 और 2, ये आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो इसके लिए जो हम क्या लेंगे, बीटा लेंगे, यानी कि बेस लेंगे, वो हम सिंपली इसमें से सिंगलटन सेट उठा लेंगे, तो ये वाला सिंगलटन था, ये वाला था, तो इसकी कलेक्शन हमने ले ली, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, बेस बनेगी,
किस तरह बेस बनेगी ये हमारे पास, इन दोनों का देखें अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास 1 2 ये बन जाता है, एक्स मतलब बन जाता है, 1 का 1 के साथ लें तो 1, 2 का 2 के साथ लें तो 2। अब फाई किस तरह आएगा देखें, हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो जब हम एम्प्टी सेट का उसके साथ ही यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई भी मिलेगा। ठीक है, जब हमने फाई लेना है तो हमने क्या करना है, इसका जो एम्प्टी सेट है बीटा का उसकी उसी के साथ यूनियन लेनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास थी इंडिसिक्रीट टोपोलॉजी, तो अब हम देखेंगे कि इंडिसिक्रीट टोपोलॉजी जो हमारे पास है बेस फॉर इंडिसिक्रीट टोपोलॉजी, इंडिसिक्रीट टोपोलॉजी के लिए हमारे पास बेस कौन सी होगी, तो इंडिसिक्रीट टोपोलॉजी जब भी हमें दी जाएगी तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, बेस ये एक्स होगी, मतलब कि हम पूरी की पूरी स्पेस एक्स उठा लेंगे, मतलब हम जानते हैं कि कोई भी अगर सेट एक्स दिया है तो उसके ऊपर टा हमारे पास सिंपली ये होगा फाई और एक्स, इंडिसिक्रीट टोपोलॉजी के लिए, तो हम सिर्फ इस एक्स को उठा लेंगे, जब एक्स का एक्स के साथ यूनियन लेंगे तो हमें सिंपल एक्स मिल जाएगा। और फाई किस तरह हमें मिलेगा, हम जानते हैं कि इसका एक सबसेट है एम्प्टी, एम्प्टी ठीक है, हम जानते हैं कि एम्प्टी सबसेट इज कि जो भी एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो एम्प्टी जो सेट है ये भी इसका सबसेट है, जब एम्प्टी सेट की उसी के साथ यूनियन लेंगे तो हमें एम्प्टी भी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास बेस होगी किसके लिए, इंडिसिक्रीट टोपोलॉजी के लिए, ये भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे बेस फॉर मिट्रीजेबल स्पेस, कि मिट्रीजेबल स्पेस के लिए हमारे पास किस तरह की बेस होगी, हम जानते हैं कि मिट्रीजेबल स्पेस के अंदर हम ओपन स्फीयर की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ओपन स्फीयर की। मिट्रीजेबल स्पेस क्या होती है कि अगर आपके पास एक सेट एक्स है और टा की आपने कलेक्शन जो लेनी है वो कलेक्शन कौन सी लेनी है, ओपन स्फीयर वाली लेनी है, कि आपके पास ओपन बाल मिल जाए या क्या मिल जाए, ओपन स्फीयर मिल जाए किसी एक्स के ऊपर आर रेडियस के, इस तरह की जो हमारे पास कलेक्शन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास मीट्रिक है, ये जो टोपोलॉजी है ये कौन सी टोपोलॉजी बनाएगी, मिट्रीजेबल टोपोलॉजी बनाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि जब भी हमने मिट्रीजेबल स्पेस की बेस लेनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जानते हैं कि मिट्रीजेबल स्पेस कौन सी होती है, जिसके टा के अंदर ओपन बाल हों, तो मिट्रीजेबल स्पेस की जो बेस होगी वो कौन सी होगी, वो भी तो ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ ओपन बाल ही होगी ना, कि जो x के ऊपर बनेगी r रेडियस की बाल, तो हमारे पास जहां r हमारे पास एक रियल नंबर होगा, ठीक है, और r हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा, ज़ीरो होगा, मतलब रियल नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव हमने r लेने हैं, तो हमारे पास जो इस तरह की कलेक्शन है ओपन स्फीयर की या ओपन बाल की जो कलेक्शन है वो हमारे पास बेस बनाएगी, मिट्रीजेबल स्पेस की बेस बनाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, ओपन बेस का कॉन्सेप्ट था, इसको ओपन बेस भी बोलते हैं, सिंपली बेस भी बोलते हैं। इसके बाद हम रिलेटिव बेस की डेफिनेशन देखेंगे कि रिलेटिव बेस हमारे पास क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिफाइन करेंगे।